भाई साहब, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ही बंदा है जो रिमेक के दम पर भी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा के जाता है, और ना कि सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट को टक्कर देता है बल्कि उनकी धज्जिया भी उड़ा के जाता है। भाई साहब, शैतान मूवी, अजय देवगन की शैतान मूवी आज डे 3 कंप्लीट कर रही है, कहां पर बॉक्स ऑफिस पर, और कल डे 2 कंप्लीट कर चुकी थी। डे 1 यानी फर्स्ट डे जो ओपनिंग था, इतनी अच्छी कोई कमाई देखने को नहीं मिल रही थी, मतलब वो वाली सॉलिड हाइप नहीं थी जो 2023 में हम बहुत बार बॉलीवुड के नाम देखकर आ चुके थे, लाइक जवान एंड पठान एंड और अदर मूवीज लाइक टाइगर 3 हो गई। लेकिन इस टाइम पर वो वाली हाइप डे 1 ओपनिंग के लिए नहीं थी, लेकिन सैटरडे कल सेकंड डे था, हॉलीडे था, तबाही मचा दी। आज तो संडे है भाई, आज और भी ज्यादा तबाही ये मूवी मचाते नजर आ रही है। तो आज जानेंगे कि अभी जो इस साल फाइटर मूवी जैसी बड़ी दिग्गज मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर जो तबाही नहीं मचा पाई है, क्या शैतान वो वाली तबाही मचाती नजर आ रही है? क्या शैतान उन सारी बॉलीवुड मूवीज या फिर जो अभी तक और भी मूवीज आ चुकी जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये मूवी इतनी इतनी कमाई करके ले जाएंगी, लेकिन क्या शैतान वो कमाई करके ले जाएगी, नहीं ले जाएगी? क्या बजट है इसका? सुपर डुपर हिट हो रही है, नहीं हो रही है? फ्लॉप की कैटेगरी में रख सकते हैं क्या बजट के अकॉर्डिंग? सारी चीज़ों पर बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, जब ये मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था और जब ये फर्स्ट लुक या फिर ग्लिम्स या फिर टीजर कुछ भी कह लो जब आया था, तो उतना कोई हाइप नहीं थी, लेकिन जब ट्रेलर आया है तो पूरा गेम चेंजिंग साबित हुआ है। ट्रेलर के बाद जो हाइप बनी है और जो लोगों का एक्साइटमेंट बना है कि यार मूवी में आखिर देखा जाए कि क्या है, क्योंकि उससे पहले ही न्यूज रिवील आउट ये हो चुकी थी या सभी को मिल चुकी थी कि गुजराती मूवी वस जो है उसका रीमेक होने वाली है। दैट्स वाई कि बहुत से लोगों ने देखा भी था और रीमेक के नाम से बहुत लोग देखते भी नहीं है, लेकिन जब ट्रेलर आया है, ट्रेलर ने सबके होश उड़ाए हैं। तो अभी तक ये मूवी कितनी कमाई कर चुकी है, उससे पहले कल डे 2 की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मैं बताऊंगा। कल मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट सभी को मिलाकर ओवरऑल 33% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही है। डे 1 पर नेट इंडिया से ये 14.75 करोड़ का कलेक्शन किया था, एंड डे 2 यानी कल को इस मूवी ने नेट इंडिया से रफ डेटा है अर्ली एस्टिमेट 19 करोड़ के आसपास ही मूवी अपने खाते में लेके नजर आई है। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले दो दिन का हो जाता है 33.50 करोड़ का लैंड ऑफ द डे तक, एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 40 करोड़, एंड पूरी दुनिया से ये मूवी कल 51 करोड़ अपने खाते में लेते नजर आई है। बजट है इस मूवी का 60 से 65 करोड़, और तीन ही दिन यानी आज संडे है, जब कल सैटरडे में इतनी तबाही मचा सकती है तो संडे में तो और भी ज़्यादा तबाही मचाएगी, जिसके लिए एडवांस बुकिंग आज ही के लिए हुई है 5.5 करोड़ के आसपास। तो आज ये मूवी कितनी कमाई करेगी? कल नेट इंडिया से लगभग 19 करोड़, तो आज 20 करोड़ मिनिमम अर्ली एस्टिमेट ये आ रहा है नज़र में। तो आज 20 करोड़ कमा लेगी तो ये मूवी अपना बजट इजिली रिकवर कर लेगी और सुपर हिट के लिस्ट में शामिल हो जाएगी। ब्लॉकबस्टर हिट होने के लिए कितना चाहिए भाई साहब? 150 से 200 करोड़ के लिस्ट में ये मूवी अपना नाम दर्ज करती है तो इजिली ब्लॉकबस्टर हिट होके जाएगी। क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स की तरफ से, भाई सभी की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू आए हैं, कोई भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के गया था, मतलब सभी लोग एक बार के लिए थोड़ा सा जजमेंटल होके ही गए थे कि भाई रीमेक आ रही है तो वही होगा वगैरह वगैरह, लेकिन सभी ने जो जजमेंटल के हिसाब से गए थे, नैरेटिव लेके गए थे, उन्होंने भी पॉजिटिव रिव्यू दे हैं और सभी ने ही पॉजिटिव रिव्यू दे हैं। मूवी दमदार है वैसे, अगर आपको रिव्यू देखना है, फुल रिव्यू देखना है तो चैनल चेकआउट जरूर करना, भाई शानदार है। आपको पता लग जाएगा कि यार देखनी है तो क्यों देखनी है, देखनी नहीं है तो क्यों नहीं देखनी है, क्योंकि आपका टाइम जरूर बचाएंगे हम यहाँ पर। बाकी अगर आपने ये मूवी अभी तक देख ली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है। क्या सिर्फ 200 करोड़ में अटक जाएगी या 300 करोड़ या 500 करोड़ भी टच करके जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इसका बूस्टर चल रहा है, दमदार चल रहा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।